अस्सलाम वालेकुम यार, कभी आप लोगों ने देखा कि किसी शख्स के सिर्फ 2.5 महीने में 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हों? नहीं देखा? चलो आओ आज आपको दिखाता हूँ। और कभी आपने 55 साल बाबे को नौजवानों को दौड़ में हराते देखा है? नहीं देखा? आज वो भी आपको दिखाते हैं। मेरे नाल मुहम्मद मूसा साहब मौजूद ने, जेडे के ना दुबई दे विच होने वाले इंटरनेशनल एथलीट के मुकाबले जीत के आए हैं। जी तो नासिर, मैं अज आया हूँ जी मिस्टर मिंकू के स्टूडियो, जिन्होंने माशाला सिर्फ 13 महीने 3 मिलियन सबसक्राइबर पूरे किए हैं। सब तो स्लिम एंड स्मार्ट लड़का, चलता फिर कैलकुलेटर ले जी। हमारे इस सफर की आज तीसरी लिफ्ट है और ये बच्चा मदरसे का, और मदरसे के बच्चों को यार लाजमी है ना लिफ्ट दिया करे, क्योंकि ये पढ़ते हैं तो इनका लाजमी ख्याल किया करे। आ वो बंदा है जो गोजरे से है, ये है गोजरे की निशानी की। भाई आ ये मानदा लेनी पड़ती। लो जी आ मानदा है एडी छोटी बंद। अस्सलाम वालेकुम यार, कभी आप लोगों ने देखा कि किसी शख्स के सिर्फ 2.5 महीने में 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हों? नहीं देखा? चलो आओ आज आपको दिखाता हूँ। और कभी आपने 55 साल बाबे को नौजवानों को दौड़ में हराते देखा है? नहीं देखा? आज वो भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि आज मैं इन दोनों शख्सियात का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। एक है जी बाबा जी, जो है वो समुंदरी है, और वो जो यूट्यूबर है जिसके सिर्फ 2.5 महीने में 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए ना, वो है जी गोजरा। तो इंटरव्यू तो उनका करना ही करना है, तो रास्ते में जो है ना आपको जो जो भी चीज़ें मिलेंगी, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, वो भी आपको दिखाते जाएंगे। तशमीर भाई मुझे तो नहीं आज जा रहे मेरे नाल, लेकिन दवा ढाड़े हैं मेरे नाल ही जाएंगी। बिल्कुल जी, मैंने बड़ी खुशी है। असल चीज़ यह है कि जो बाबा जी दौड़ जीते ना, उन्होंने को तुम पूछ के आना भी कि नुस्खा खाते? जरूर पूछा जी। मैं उन्होंने ये नहीं कहना कि तुम ना नौजवानों को पैगाम दो, मैं कहना बाबे को भी पैगाम दो। सही गल, हाँ ये बड़ी इंटरस्टिंग चीज़ है कि बाबा 55 साल का बाबा है, तो वह दौड़ता फिट बहुत है कि इन्ना दौड़ता कि नौजवानों हरा दिता। तो भाई जी अब हम समुद्री में एंटर हो चुके हैं। आ साडा कॉलेज, गवर्नमेंट ग्रेजुएटेड कॉलेज समुद्री, 4 साल यार इतने बड़े साढ़े ना सोने लंघे है। BS साडा इतों ही सी, बहुत ज़्यादा साड़ी यादा जुड़िया हुई इस कॉलेज के नाल। यार समुद्री के अच्छा होने का अंदाज़ा ना आप देखें, इसमें बनने वाली बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स और तलीमी अदारों से लगा सकते हैं आप कि ये शहर जो है ना अच्छी खासी तरक्की में है। कम अज़ कम तांदरे वाला से तो बहुत ज़्यादा तरक्की में है। वो जी इन्होंने छापा पै गया एक मुंडे से, मेरा क्लास है दाना जट, राह जाते मैंने मिल गया तो बड़ी देर बाद मिले। दाना साहब सुनाओ की हाल चाल है? अल्लाह मुंडा जी साढ़े सारा नालों क्लास फैलो नालों ना चंगा रह गया कि फार्मास्यूटिकल फील्ड, यानी कि जी साड़ी केमिस्ट्री वाले की फील्ड है ना, उस बाहर बंदा जड़ा गया। दसो की नजाम है? अच्छा नजाम है यार, सियालकोट हो रहे हैं फिलहाल। लो जी नाजरीन आओ जिगरी है जिहदी गल हो रही सी, कैसर अमीन साडी क्लास का सब तो स्लिम एंड स्मार्ट लड़का, चलता फिर कैलकुलेटर। इहनू बंदे नू जिहड़ा ना तुसीं मर्जी सवाल कर लो, मैं तां असी कैलकुलेटर इस्तेमाल करते होंगे तो इन्हें साढ़े कैलकुलेटर इस्तेमाल करने तो पहले ही जबानी जवाब दस दिता सी, तो मैथ ते दा जिहड़ा ना दिमाग बहुत ज़्यादा तेज चलता इदा ही है जी। फिर भी कैमिस्ट्री पढ़ी है, जी आती नहीं वो हूँ आँदी कि नहीं? चल पूछ लिया जवाब देना, मैं कोई जवाब नहीं पूछना, मतलब लेकिन आ मुंडा इंग्लिश वाला है भाई। भाई की लभ्या इंग्लिश करके? इंग्लिश ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲੱਭਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੱਸੋ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਭੇ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਖਿਲਾੜੀ, ਵਾਕਈ ਇੰਡੀਆ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਵਿਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ तो जी ये है समुद्री की फूड स्ट्रीट। फूड स्ट्रीट है भाई ये की है दस स्ट्रीट ही कह लो सर,
अच्छा चलो फूड स्ट्रीट कह लो माशाल्लाह ऐसे नाम तो 3 मिलियन सब्सक्राइबर कर ले है टाइम नहीं लगा भी 3 महीने आज 3 मिलियन सब्सक्राइबर मैं ऐसे लोग शुरू करता ना मैं कहता जी 2.5 महीने हो गए 2.5 महीने लग गए मैं 2.5 देख रहे हैं ये देख इतना ही आके अखा बंद कर लो तो इधर 1 मिलियन बचे हम आ वो बंदा यार जद्दू गोज रहे से हां भाई की हाल चाल उमर राजपूत का नाम ते ये बंदा ना इन्हें जो सानू 4 साल तंग किया ना बीएससी क्लास दे विच ओ हाँ सुना होगा कि तेन चैन है कि हले भी नाल जो तंग करता रहना था इन्हें शुक्र अल्लाह तू सुना ये है गोजरे की निशानी की इनू कहते भाई गोजरे तक ही है हॉकी इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम गोजरे की पहचान आप कह लें जिस तरह हम सरगोधा में जाए तो उसके मेन जो बड़ा सारा माल्टा लगा होता है ना वैसे ये है जी हॉकी की बॉल मतलब कि गोजरा जो है ना बल्कि यार मैं कि पंजाबी बोलने वाला उर्दू बोलने लग पाया मतलब कि गोजरा च ना हॉकी का एक इंटरनेशनल ग्राउंड है तो उस वजह तो गोजरा मशहूर है ना भाई है ना हाँ मतलब कि अच्छा शहर लग रहा है यार पूरा सुकून जहा मतलब कि नहीं ज़्यादा ट्रैफिक श्रैफिक नहीं है जो साढ़े तान अद्धी रात को मतलब कि 9-10 बजे तो बाद सुकून हो जाता बिल्कुल उदा तो पूरा सुकून लग रहा थोड़ी बहुत ट्रैफिक है अच्छा मतलब कि छोटा जहा शहर तो सहूलत सारिया ही तानले वगू है ना हाँ हाँ इस वजह अच्छा शहर कह सकते गोजरे में तो असं एक जी अद्धी रात को जरा गोजरा विजिट कर रहे हैं ये कहना जी आ तेन गोजरा फरावा मैं क्या जी नेकी और पूछ हूँ असं ना जरा गवर्नमेंट कॉलेज देख रहे हैं अच्छा जी गवर्नमेंट कॉलेज है कुड़िया का इतने दिन कुड़िया समुद्री को पढ़ा जाए फिर जितने कॉलेज है इतने कुड़िया इतने ही रहनी नहीं ये कुड़िया कमिस्ट्री पढ़ती कमिस्ट्री नहीं अच्छा कमिस्ट्री नहीं कमिस्ट्री है ऐसी लेकिन सीटा थोड़ी सी अच्छा अच्छा सही पीछे भी ध्यान रखियो ना आवे 1-5 आवे तो मोबाइल खोल लिया अद्धी रात की गेड़ी गोजरे दे डिवीजन मॉडल स्कूल अच्छा जी डिवीजन मॉडल ओके और कुछ मुंडिया का गवर्नमेंट कॉलेज ठीक है कौन की है ये भी ठीक है ये ना मेरे डीजी खान मैं गया ना डेरा गाजी खान है तो वह भी वह काफ़ी ना मैंने मिलता जुलता लग रहा वो भी डीजी खान भी जिला वा लेकिन ये तहसील है वो जिला वा तो वह भी बड़ा पुरसकून जहा रात को हो जाता सीम क्रैशी को गया उदो मैं उत्थे मैं रह के आया हफ्ता भैया कि बाजार आ गोजरे का भाई बाजार का मैंने भी नहीं पता मैं इतने रिहायशी हाँ लेकिन बहुत अच्छे आइसक्रीम बहुत मशहूर है तू कड़ा खवानी है खवा देंगे यार अच्छा फिर ठीक है जो खवानी है तू मैं ये दस तू खवा की मैं भी बस गनाई ना चाह खान पीने ले जावा थोड़ा जहा शहर रखो यार गाँव छोटा जहा शहर मैंने सिर्फ एक दुकान चाहिए जिससे अच्छा खाना मिले है राणे के दही भले राणे के बड़े मशहूर चार ब्रांच राणा बल्ला फरोश लो जी गोजरा राणा बर्गर वो तू मैं दूसरे दुकाना पर आई जाना वो गोजरे की पछाण जी मंद बर्फी बुर्फी जी आप पिज़्ज़ा स्वीट्स है तो वह कितने भाई जी मंद बर्फी है वो पाले रोड से तो वह उधर लैके जा ना वो बंद है इस टाइम ना कर हाँ यार हैरान वाली गल तू खाधी नहीं मंदल की नहीं साढ़े तानले की मनपसंद मशहूर आ मतलब माही स्वीट्स वाले ताड़ी मंद मशहूर आते मन दिन जल्दी बंद क्यों हो जाती है साढ़े दिन साढ़े पिंड साढ़े शहर दंजा भी मशहूर है गंजा हाँ गांधी गांधी गंजा मशहूर है हाँ भाई दी बना यार हाँ ठीक है हाथ ला दे बस जी लोग देख ना वेख के कैमरा कहते मेरी भी भाई आ नवा खुलिया है वन पॉइंट ओके पिछो वेखी कोई 1-5 दिन आ गए ठीक है ज्वेलरी शॉप ना भी छोटी है दो दुकान है ना अभी दुकान इतने अच्छा जी लो जी आ मशहूर बर्फी जी मंद गोजरे की साड़ी किस्मत देख लो आए हैं पहली दफा गोजरे तो सानू लभी नहीं दुकान ही बंद हो स्टाइलो स्टाइलो बड़ा यार वाह वड्डा मॉल बनया इतने तो साढ़े तान छोटा जहा ही है बड़िया बड़िया छावा थोड़ी अखा खोल जानी है अखा बंद कर देंगे जो खोलिया अब तो रहो वापस कमाई जा कमाई जा तेल तो मेरा ही लग रहा है ना तेन गोजरे नहीं दिखा आप दर तत्ला बड़ा ही कमाई जाता पता कि मोटरसाइकिल तो मेरा वा मैंने मेरा क्या तेल लगता अच्छा जी लो जी ये गोजरे इन्नी कि सैरी बड़ी है फिर बहुत ही लंबी वीडियो हो वाम वेखती नहीं वैसे साड़ी तो छोटी भी नहीं वाम वेखती कुड़िया छुड़िया हो सिस्ट्रोलॉजी है वो तो बहुत वेखती वाम चलो चंगा जी जिन्हें वेखनी है वेख लेगा जिन्हें नहीं वेखनी जो देखे उसका भी भला जो ना देखे उसका भी भला अच्छा हम चंगा जी अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ लो जी आ मुंडे जड़े हैं ना इन्होंने लिफ्ट चाहिए इसे इन्होंने लिफ्ट दे रहे हैं अभी शहर समुद्री तक क्योंकि इस टाइम मैं आ रहा गोजरे तो सुबह का टाइम है हाँ बच्चों सुनाओ किधर जा रहे जी दर्जिया का काम करते हैं कितने नाजरीन आ तुम मैं एक बड़ी मज़े की चीज़ दिखाने लगा कि आ वा समुद्री रोड आ इंटरचेंज आ गया
ਠੀਕ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਹ ਵਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੋਡ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੀ ਹਦੂਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤਾਂਦਲੇ ਦਾ ਰੋਡ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਤੇ ਡਬਲ ਰੋਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਰੋਡ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗੋਜਰੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰੋਡ ਆ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਗੋਜਰੇ ਤੱਕ ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤਾਂਦਲੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਰੋਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਡਬਲ ਰੋਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੰਡ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂਦਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਬਿਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਡਬਲ ਰੋਡ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਐਂਡ 'ਤੇ ਨਾ ਬਸ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਧੱਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਲੈ ਜੀ ਹਮਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀ ਆਜ ਤੀਸਰੀ ਲਿਫਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮਦਰਸੇ ਕਾ ਔਰ ਮਦਰਸੇ ਕੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਯਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਨਾ ਲਿਫਟ ਦਿਆ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਤੇ ਹੈ ਤੋ ਇਨਕਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਿਆਲ ਕੀਆ ਕਰੇ ਲੈ ਜਹਾਂ ਸੇ ਹਮਨੇ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ ਵਹਾਂ ਪਰ ਆ ਕਰ ਖਤਮ ਕੀਆ।